प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको नेहरू जी के लोकतंत्र संबंधी विचार पढ़ाए थे और आज मैं नेहरू जी के अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में विचार आपको पढ़ाऊंगा। पंडित नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया। वो चाहते तो घर बैठकर आराम कर सकते थे, रईस खानदान के थे, पर उन्हें वर्षों जेलों में बिताए और गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अपने योगदान दिया। देश के स्वतंत्र होने पर वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। विश्व इतिहास की झलक और मेरी कहानी जैसी कई पुस्तकें उन्होंने लिखी। भारत एक खोज भी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। इन पुस्तकों में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में विचार प्रकट किए थे और वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी वही थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में अपने अनेक महत्वपूर्ण विचार भी प्रकट नहीं किए बल्कि उन्हें लागू भी किया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उन सभी अपनी नीतियों को जो विदेश नीति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में प्रतिपादित करते थे उन्होंने कार्य रूप प्रदान किया। सबसे पहला उनका विचार था विश्व शांति का समर्थन और युद्ध का विरोध। नेहरू जी युद्ध के विरोधी थे। वो कहते थे कि युद्ध कहां जन्म लेता है, युद्ध सीमा पर तो बाद में होता है, सशस्त्र सेनाओं द्वारा तो बाद में होता है, पहले वो मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेता है, उसके दिमाग में जन्म लेता है। कैसे? पहले युद्ध के विचार दिमाग में आते हैं और वो कैसे आते हैं, जब हम एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं। तो अगर दिमाग में नफरत ही नहीं होगी किसी राष्ट्र के प्रति तो युद्ध नहीं होगा और विश्व में शांति स्थापित होगी। वो संपूर्ण विश्व में शांति स्थापित करना चाहते थे, युद्धों का पूर्ण अंत करना चाहते थे ताकि युद्धों से मुक्त होकर हम मनुष्य मात्र के कल्याण में अपना पूरा फोकस कर सकें। उनकी दूसरी नीति जो उनकी मौलिक नीति थी वो थी गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भारत आजाद हुआ और नेहरू जी ने देखा कि अमेरिका का गुट बना हुआ है, दूसरा सोवियत संघ का गुट बना हुआ है, तो उन्होंने कहा हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे और उन्होंने नासिर जो मिस्र के राष्ट्रपति थे और मार्शल बीटो जो यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे उनके साथ मिलकर एक नया आंदोलन चलाया जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था कि हम ना अमेरिका के गुट में शामिल होंगे ना हम सोवियत संघ के गुट में शामिल होंगे, हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएंगे, सही का साथ देंगे, जब अमेरिका सही होगा तो उसका साथ देंगे, जब सोवियत संघ सही होगा तो उसका साथ देंगे, जो भी गलत होगा उसका विरोध करेंगे। तीसरी उनकी नीति है पंचशील के सिद्धांत जो उन्होंने चीन के साथ मिलकर प्रतिपादित किए। पंचशील के सिद्धांतों में है कि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेगा, कोई देश दूसरे देश के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, सब देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर चलेंगे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि नेहरू जी यहीं पर धोखा खा गए। नेहरू जी ने तो पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन चीन के साथ मिलकर किया और चीन और भारत ने पंचशील के समझौते पर हस्ताक्षर भी किए, लेकिन भारत ने तो हमेशा इसका पालन किया लेकिन चीन ने कभी पंचशील के सिद्धांतों का हृदय से पालन नहीं किया और हमें धोखा दिया। इसलिए कई लोग नेहरू जी पर ये आरोप भी लगाते हैं कि नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति को इतना आदर्शवादी बना दिया कि हमें चीन के आक्रमण का सामना करना पड़ा, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारी तैयारी नहीं थी, चीन ने हमें हरा दिया। लेकिन नेहरू जी नहीं जानते थे कि चीन इतना कपटी देश है। अगला जो उनका सिद्धांत था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में वो है सभी प्रकार के साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध करना। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन चलाया था, नेहरू जी ने भी इसका समर्थन किया और नेहरू जी काले गोरे के भेद को दुनिया भर से मिटाना चाहते हैं। साथ ही साथ वो हर प्रकार के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का भी विरोध करते हैं, अर्थात जो देश दूसरे देशों पर हमला करते हैं, अपना साम्राज्य बढ़ाते हैं, दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाते हैं, उस युग को अब हम अतीत में छोड़ाए हैं। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि अब किसी भी प्रकार का साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंगभेद बर्दाश्त नहीं होगा और जो नव उपनिवेशवाद है जिसने कि अमेरिका और सोवियत संघ जैसे देश दूसरे देशों को आर्थिक दृष्टि से अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उस नव उपनिवेशवाद का भी विरोध होगा। अगली जो उनकी नीति थी नेहरू जी की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में वो थी निःशस्त्रीकरण का समर्थन। शस्त्रों के होड़ से बढ़ना चाहते थे वो कि हमें शस्त्रों की होड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम अपने सारे पैसे हथियारों पर खर्च कर देंगे तो गरीबी कैसे हटाएंगे देश से,
बेरोजगारी कैसे हटाएंगे, जो पैसा हम हथियारों में डालेंगे अगर उसी पैसे को हम गरीबी और बेरोजगारी को हटाने में लगा दें तो देश का कल्याण हो सकता है। इसके साथ ही नेहरू जी अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तान, चीन सबकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये अलग बात है कि नेहरू जी को और भारत को पाकिस्तान ने भी धोखा दिया और चीन ने भी धोखा दिया, और इसीलिए बाद में चलकर इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने अपनी इस विदेश नीति में परिवर्तन किया और ईंट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाई। साथ ही साथ नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र संघ का भी पूर्ण समर्थन करते थे, क्योंकि नेहरू जी मानते थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जो विश्व शांति की स्थापना में अपना योगदान दे रही है। इसलिए हमें हमेशा संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करना है, उसके साथ सहयोग करना है। कहीं शांति सेना में भारतीय सैनिक भेजना है तो भारत कभी पीछे नहीं रहा, ना नेहरू जी के समय ना उसके बाद। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पंडित नेहरू ने अपनी विदेश नीति के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों का प्रतिपादन किया और आज भी भारत की विदेश नीति उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है। और नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत करना चाहिए जिसमें कि विश्व के सभी देश विश्व शांति की स्थापना करके एक ऐसे विश्व की स्थापना कर सके जहां किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होगा, सैनिक गठबंधन नहीं होंगे, सैनिक संधियां नहीं होंगी, सब राष्ट्र मिलकर रहेंगे और वसुधैव कुटुंबकम का जो पुराना सिद्धांत है भारत का, उस वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के हिसाब से एक ऐसे विश्व की रचना होगी जहां सभी राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करते हुए दूसरे राष्ट्रों का भी सम्मान करेंगे। लेकिन नेहरू जी के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधी विचार अत्यंत ही आदर्शवादी प्रमाणित हुए, क्योंकि वास्तव में अमेरिका और चीन जैसे देश तैयार नहीं थे शांति की नीति अपनाने के लिए। और क्योंकि नेहरू जी शायद ये नहीं समझ पाए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो शक्ति की लड़ाई है, शक्ति का संघर्ष है, इसलिए नेहरू जी की ये आदर्शवादी बातें काफी हद तक चीन के आक्रमण के समय घातक भी सिद्ध हुई। लेकिन हम ये तो कह ही सकते हैं कि नेहरू जी का हृदय जो था वो विश्व शांति के पक्ष में था और वो एक आदर्श विश्व की स्थापना करना चाहता था।